वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है इस स्विस हॉलीडे ट्रैवल सीरीज का लास्ट डे और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं काफ़ी सारे जगह जहाँ पे शूटिंग हुआ था द मोस्ट रोमांटिक एंड एवरग्रीन बॉलीवुड मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको और दो जगह दिखाया लाइक लेक थून एंड ग्लेशियर 3000। ये दोनों जगह पे भी काफ़ी सारे मूवीज़ की शूटिंग हुए हैं और इसके अलावा भी ये दो जगह बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपने अभी तक वो दो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर टुडेज जर्नी। तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारा आज का जो पहला डेस्टिनेशन है वहाँ पे, और वो है शैनन टाउन। ये एक बहुत ही छोटा सा और ब्यूटीफुल सा टाउन है और ये रहा हमारा क्यूट सा शैनन स्टेशन। यहाँ पे आप कैसे पहुंच सकते हैं इसका फुल इन्फॉर्मेशन मैं कुछ ही देर में आपको दे दूँगी। तो चलिए अभी इंजॉय करते हैं इस ब्यूटीफुल जगह को। अभी मैं आ गई हूँ द फेमस शैनन ब्रिज में। तो अभी वो मैं आपको बताऊंगी ये ब्रिज इतना फेमस क्यों है। अभी ब्रिज तो बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर शूट हुआ था DDLJ मूवी का कुछ फेमस सीन्स और एक फेमस गाना। तो इतना फेमस है ये ब्रिज वो आपको अभी पता चलेगा जब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे लगे हुए शाहरुख खान और काजल की फोटोज। तो आप ये ब्रिज देखिए, मैं ट्राई करूँगी उस सीन को रिक्रिएट करने का, तो एंजॉय कीजिए। और इसके बगल में जो है ये नदी बह रही है, इसका आवाज़ जो है बहुत अच्छी तरह से आ रही है। बहुत ही फेमस बॉलीवुड मूवी DDLJ का एक पोस्टर, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में खड़ी हूँ, लग रहा है मैं इंडिया में किसी हॉल के बाहर खड़ी हूँ। तो ये जो सीन है ऑलमोस्ट पता नहीं कितना, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगो ये मूवी शूट हुआ था, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है ये अभी तक सेम टू सेम है। लाइक दिस इज द चर्च, दिस चर्च इज द सेम चर्च देयर। वो भी मैं जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे पीछे का शैनन स्टेशन, वो जो बिल्डिंग देख रही है वो सब कुछ सेम टू सेम है। और यहाँ पे शूट हुआ था वो वाला सीन, वो बहुत ही फेमस पलट 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 वाला, और वो वाला सीन जहाँ पे शाहरुख खान काजल को बोलता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है ये सब, और ये गाने का एक छोटा सा सीन। तो आपने देखा, आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया। तो चलिए अभी थोड़ा सा टाउन को घूमते हैं और स्टेशन देखते हैं। तो चलिए चलते चलते बता देती हूँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा बस और ट्रेन ये दोनों, और साथ से शैनन आने के लिए बस में टाइम लगेगा लाइक 15 to 18 minutes। और अगर आप प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा 5 to 6 minutes। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग इससे पहले गए थे ग्लेशियर 3000, वहाँ से बस पकड़ के सीधा हम लोग आ गए हैं शैनन टाउन, पीछे छोड़ आए हैं स्टार्ट टाउन को। अभी हम पहले शैनन टाउन घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे स्टार्ट टाउन घूमने। यहाँ के काम एंड कूल एनवायरनमेंट में आप एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और माउंटेन्स में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं।
तो मेरे पीछे आप जो रनवे देख रहे हैं, ये वही रनवे है जहाँ पर शाहरुख खान दौड़ता है एक प्लेन के साथ। तो दिस इज एक्चुअली द सानन एयरपोर्ट रनवे, और यहीं पे हुआ था वो शूटिंग जहाँ पे शाहरुख खान दौड़ता है एक प्लेन के साथ। अभी हमारे सामने जो चर्च दिख रहा है, ये वही चर्च है जिसको देख के काजोल बोलती है कितना खूबसूरत चर्च है ना, और फिर वो दोनों जाते हैं चर्च के अंदर। लेकिन अंदर से जो चर्च दिखाया गया है वो ये चर्च नहीं है, दिस चर्च इज सिचुएटेड इन बर्न। लेकिन बाहर से जो चर्च दिखाया गया था वो है ये। फिलहाल अभी तो ये बंद है, नहीं तो हम लोग अंदर जाके भी इसको एक्सप्लोर कर सकते थे। सुंदर है ना ये जगह, छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। ये पता है क्या है? कॉइफर। यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो हमारा हेयर कटिंग सैलून होता है, जिसको हम सैलून भी बोलते हैं, जहाँ पे सब हेयर कट करवाने जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉइफर। तो ये है एक हेयर कटिंग सैलून। शैनन टाउन को घूमने के बाद अभी हम लोग जाएंगे स्टार्क टाउन घूमने। तो चलिए अभी फिर से यहाँ से हम बस पकड़ेंगे और जाएंगे स्टार्क टाउन। हमको करीब 15-18 मिनट से टाइम लगेगा, तो मिलते हैं स्टार्क टाउन में। बाय बाय शैनन, विल विजिट यू अगेन। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I'm not.
as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a आ गई हूँ उस जगह पे जिस जगह का नाम है किस्ताद। और किस्ताद बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुआ था DDLJ का वो गाना ज़रा सा झूम लूँ मैं। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं दुकान ईयरली बेक, दिस इज़ अ वेरी फेमस चॉकलेट एंड बेकरी शॉप। यहाँ पे शूटिंग हुआ था उस सॉन्ग जहाँ पे काजोल कुछ चीज़ें लेके भाग जाती है। और एक मूवी है बचना है हसीनों जिसमें रणबीर कपूर और मनीषा लिम्बा इस दुकान में जाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। तो वो दोनों शूटिंग इस फेमस दुकान पे हुआ था। और ये जो स्ट्रीट है सीधा यहीं पे वो काजोल दौड़ती है मैं चली करके, यहीं पे वो दौड़ के जाती है और शाहरुख खान उसके पीछे पीछे भागता है। तो यही है वो फेमस स्ट्रीट। तो अभी चलिए थोड़ा सा इस टाउन को भी एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि ये भी एक बिल्कुल फेयरी टेल टाउन है, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बात, दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव टाउन। यहाँ पे जो है हमारे इंडिया से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, जैसे विराट अनुष्का भी आए थे, रणबीर कपूर दीपिका आए थे उनके हनीमून पे। तो इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक कप कॉफ़ी का, नॉर्मल वन कप कॉफ़ी का फ्रैंक, जो ज़ुरिक में भी हम 5 फ्रैंक के लेते हैं, यहाँ पे है 15 फ्रैंक। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच एक्सपेंसिव इट इज़। और यहाँ पे है 2 बड़े बड़े बैंक के ऑफिस, दैट इज़ UBS एंड क्रेडिट स्विस, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बात, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े लोग आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव जो शॉपिंग स्टोर्स हैं वो सब, लाइक प्रादा हो गया और लुइस वविशन हो गया और हो गया कोचिनेले, ये सब एक्सपेंसिव और एक्सक्लूसिव शॉपिंग स्टोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड बड़े बड़े।
मैं आ गई हूँ उस स्टेशन में, दैट इज स्वाज़ीलैंड, आपको दिख रहा है, यही है उस स्टेशन जहाँ पे काजोल का ट्रेन छूटता है ज़ोरिक जाने के लिए, और उसके बाद वो शाहरुख खान और काजोल वो दोनों चलते हैं किसी और जगह ढूंढने के लिए, रात बिताने के लिए। तो यही है वो स्टेशन जहाँ से उसका ट्रेन छूटता है, और उसके बगल में ही ये दुकान, फिलहाल अभी तो ये बंद है, लेकिन यही है वो दुकान जहाँ पे काजोल आती है काउबेल लेने। मेरा तो प्लान था कि मैं इसी दुकान से काउबेल लूँगी, लेकिन क्या करें अभी दुकान ही बंद है। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ का नज़ारा। एक्चुअली स्टेशन तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक स्टेशन है, लेकिन इसका आसपास का जो नज़ारा है, लाइक द पहाड़ और बर्फ और लकड़ी की घर, ये सब बहुत सुंदर है। तो चलिए अब थोड़ा सा इस जगह को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो हमने हमारा 2 दिन का ये जो ट्रिप था ये कंप्लीट कर लिया। बहुत सारा जगह हम लोगों ने घूमा और आप लोगों को भी दिखाया, और कुछ फेमस बॉलीवुड मूवी के जो शूटिंग लोकेशंस हैं वो भी आपके साथ शेयर किया। तो अभी हम करते हैं इस जर्नी को, इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म, क्योंकि आप देख रहे हैं मैं ट्रेन पर बैठ चुकी हूँ और मैं वापस जा रही हूँ ज़ुरिक। तो अभी घर जा रही हूँ, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इस जो सीरीज़ है ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे भी और भी बहुत अच्छा अच्छा एक्साइटिंग वीडियोस लेके आने वाली हूँ स्विट्ज़रलैंड और यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बारे में। तो देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई जगह नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।